दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण माता सीता का अपहरण करके पुष्पक विमान के जरिए ही अयोध्या लेकर आया था। वाल्मीकि रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण करके रावण पुष्पक विमान से लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने पुष्पक विमान में सवार रावण पर हमले किए, लेकिन रावण की ताकत के आगे मजबूर वो माता सीता को बचा ना सका। हवाई मार्ग से पलक झपकते ही रावण माता सीता को लेकर अपने सोने की नगरी श्रीलंका पहुंच गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद प्रभु श्री राम उसी विमान के जरिए माता सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत लोगों सहित लंका से अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई थी और उसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और इसे उपहार स्वरूप उन्होंने ब्रह्मा को सौंप दिया। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए। कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को भेंट कर दिया था। यह विमान वैसे तो धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, लेकिन रावण ने अपने छोटे भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी सोने की नगरी लंका और उसे छीन लिया था। उसके बाद रावण अपनी इच्छा अनुसार इसको उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में काफी इजाफा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया। दोस्तों, अगर पुष्पक विमान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों को जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक यात्रा करने में सक्षम था, यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना था। इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था। कहीं भी आने जाने के लिए इसे अपने मन की गति से असीमित चलाया जा सकता था। यह वाहन आसमान में उड़ने के साथ साथ भूमि पर भी चल सकता था। इस विमान में इसके स्वामी की इच्छा अनुसार गति के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के सवार होने की क्षमता भी थी। यह विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के हिसाब से अपने आप अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था। अब तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आसमान में उड़ान भर ले तो उसके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूदा विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। अभी तक हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते ही रहे हैं कि रामायण काल और महाभारत काल में विमान होते थे। पुष्पक विमान के बारे में भी हम सबने पढ़ा है, लेकिन हाल ही में एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना विमान मिला है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र किया जाता है वह खोज लिया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि प्राचीन भारत के 5000 वर्ष पुराने एक विमान को हाल ही में अफगानिस्तान की एक गुफा में पाया गया है, लेकिन इसकी खोज में गए कुछ अमेरिकी नेवी सील के सोल्जर्स कामयाब तो हुए, लेकिन 8 सोल्जर्स जिन्होंने इस विमान के पास जाने की कोशिश की वे आज तक नहीं लौटे। कंट्रोवर्सियल फाइल वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो यह अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं दबा हुआ था। यहां तक कि इसको खोजने के लिए यूएस आर्मी ने अफगान डेजर्ट में एक स्काउट मिशन भेजा था जो कि आज तक नहीं लौटा।
वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की नजर इस अनुमान पर है। इसमें ओबामा के साथ ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन, पूर्व फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी और जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल भी शामिल हैं। पर अब सवाल यह था कि उन सोल्जर्स के साथ हुआ तो हुआ क्या। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान एक स्ट्रेंज एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहता था, इसलिए माना जा रहा है सोल्जर्स ने विमान को गुफा से निकालने की कोशिश की होगी और वे इसके टाइम वेल में फंसकर गायब हो गए। कहा जा रहा है कि अब विमान एक टाइम वेल में फंसा हुआ है और इसी के कारण सुरक्षित बना हुआ है। दोस्तों, यहां पर अब एक जरूरी बात जानने वाली है कि टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र से इस विमान के पास जाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभावों के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर क्या है यह टाइम वेल। तो दोस्तों, टाइम वेल विमान की प्रोटेक्टेड सील्ड है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ग्रेविटी फील्ड जैसा है। पहली बार इसके बारे में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में जिक्र किया था। या कहें टाइम वेल आकाश गंगा की तरह होता है, जो भी इसके संपर्क में आता है वह अपना अस्तित्व गंवा बैठता है, जैसे कि उस स्थान पर वे कभी गए ही ना हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस विमान में 4 मजबूत पहिए लगे हुए हैं और यह खतरनाक हथियारों और आग फेंकने वाली मिसाइलों से भरा हुआ है। इसमें एक अन्य डेडली वेपन रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल होता है। ये अपने टारगेट पर तेज लाइट फेंक कर उस पर हमला करता है। इसके द्वारा अन्य घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जब इन्हें किसी लक्ष्य पर रखा जाता है तो ये अपनी शक्ति से उस लक्ष्य को भस्म कर देते हैं। दोस्तों, आपका पुष्पक विमान के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अब 1000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।